अल्मोड़ा से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर जो मिल रही है वो ये, संभल जिले के चंदौसी सीट से बड़ी खबर मिल रही है। गुलाबो देवी पीछे चल रही है, मंत्री योगी सरकार में मंत्री है, पीछे चल रही है, अभी भी शुरुआती रुझान में पीछे चल रही थी और इस वक्त भी पीछे चलने की जानकारी सामने निकल के आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे थे कि बड़ी खबर लगातार जो रुझानों में सामने आ रही है वो देखिए, अल्मोड़ा से बड़ी खबर है, सुमेश्वर से बीजेपी की रेखा आगे है और अभी ये 57 सीटों का 70 में से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 30 पर बीजेपी आगे, जागेश्वर से बीजेपी आगे, रानीखेत से कांग्रेस प्रत्याशी करण मेहरा आगे चल रहे हैं, कांग्रेस 23 ऐसी सीटें जहाँ पर आगे चल रही है, लेकिन जागेश्वर से अच्छी खबर बीजेपी के लिए, यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है। सुमेश्वर की अगर बात की जाए तो बीजेपी से रेखा आ रहे हैं यहाँ पर आगे, बड़ी खबर 30 ऐसी सीटें जहाँ पर बीजेपी आगे है 57 सीटों में से। बिल्कुल रेखा आ रहे मंत्री अभी पुष्कर सिंह धामी सरकार में और आगे चल रही है, एक बार फिर से जनता का भरोसा उन पर जाता हुआ दिख रहा है। उधर कांग्रेस प्रत्याशी करण मेहरा ये भी बड़ा नाम है और ये भी आगे चल रहे हैं, जागेश्वर से बीजेपी आगे चल रही है। तो आप देखिए कि उत्तराखंड में जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है वो यहाँ पर भी दिख रहा है, रुझानों में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी की टक्कर दिख रही है, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। बताइए आगे उत्तराखंड में चुनावी नतीजे, कभी कांग्रेस आगे है तो कभी बीजेपी आगे है, गाजियाबाद के रुझानों में बीजेपी गदगद हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुनील शर्मा आगे हैं, इनकी गाजियाबाद में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, रुझानों से बीजेपी बेहद प्रसन्न बेहद खुश क्योंकि कमल बहुत खूबसूरती के साथ खिल रहा है और बीजेपी को बहुमत मिलती हुई रुझानों में नजर आ रही है। 203 सीटें, 203 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बहुमत का ये आंकड़ा साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल बहुमत का आंकड़ा साफ नजर आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर यही स्पीड रही यहाँ पर ईवीएम खुलने के बाद भी तो फिर जो एग्जिट पोल हम दिखा रहे थे वो बिल्कुल सटीक होंगे क्योंकि लगातार हम ये कह रहे थे एग्जिट पोल तो हम आपको दिखा रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट पोल भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल एक और बड़ी खबर मिल रही है पडरौना से, सबसे पहले आपको जी मीडिया जानकारी दे रहा है, पडरौना सीट को लेकर हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी के मनीष जायसवाल 3000 वोट से आगे चल रहे हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पडरौना सीट पर बीजेपी कमल खिलाते हुए नजर आ रही है, शुरुआती रुझानों में ये नजर आ रहा है, बीजेपी के मनीष जायसवाल 3000 वोट से आगे। बिल्कुल मनीष जायसवाल 3000 वोट से आगे हैं और कांग्रेस छोड़कर आए थे बीजेपी में। विवेक बड़ी खबर इस बीच विवेक मिल रही है यहाँ पर, ये बता दें आपको बड़ी खबर ये मिल रही है, रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, जैसा कि हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, लगातार रुझान सामने आ रहे, 203 सीटों पर आगे बीजेपी इस वक्त चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं कांचा, बड़ी खबर रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती दिख रही है, 203 सीट जहाँ बीजेपी आगे चलती दिख रही है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे। देखिए समाजवादी की अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी अभी काफी पीछे है बीजेपी से, समाजवादी पार्टी करीब करीब 100 से 119 सीटें कह सकते हैं जहां आगे चल रही है, ये बड़ी खबर है। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत ही शुभ समाचार, लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं मोनिका। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो जितना भगवान के आगे मत्था टेका था वो काम आता हुआ रुझानों में नजर आ रहा है। बीजेपी आगे हो गई, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुंदेलखंड में बीजेपी आगे, पूर्वांचल और मध्य यूपी में कांटे की टक्कर है, अलग अलग क्षेत्र का हाल क्या है आपको बताते हैं। बुंदेलखंड में पिछली बार क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, इस बार भी आगे दिख रही है रुझानों में, पूर्वांचल और मध्य यूपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांटे की टक्कर दिख रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। तो ये बड़ी खबर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं क्षेत्र के हिसाब से, बिल्कुल क्षेत्रवार और सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। असलाम बुंदेलखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। बिल्कुल बुंदेलखंड का आशीर्वाद मोनिका मिलता हुआ नजर आ रहा है कहा जा सकता है क्योंकि बीजेपी जैसे कि विवेक ने भी जिक्र करा पिछली बार भी जीत हासिल की थी और इस बार भी जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नलनी पूर्वांचल और मध्य में देखिए कांटे की टक्कर नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है कहीं कहीं पर काफी पीछे नजर आ रही है और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता रहे हैं, सबसे पहले रुझानों में बीजेपी ने जीती, यूपी के महाभारत की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के महाभारत बीजेपी जीती हुई नजर आ रही है, चक्रव्यूह की 403 सीटों को लेकर सबसे पहले आपको अपडेट दे रहे हैं विवेक। चक्रव्यूह में 403 सीटों में से 217 बीजेपी ने अपने पाले में लेती हुई दिख रही है, ये बड़ी खबर है। और यूपी के महाभारत में बहुत बड़ी खबर ये है कि बीजेपी सरकार बना सकती है रुझानों में ये दिख रहा है। एग्जिट पोल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने जो दिखाया वैसा ही दिख रहा है, तो कहीं मत जाइएगा, कोई चैनल जिक्र कर रहे थे विवेक की एग्जिट पोल नहीं एग्जैक्ट पोल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप लोगों को दिखा रहा है, तो सारे दिन भर लगातार ये बात कवरेज जारी रहेगी। एक सीट कहां जो है लगातार हम आपको बता रहे हैं, बुंदेलखंड में बीजेपी फिलहाल आगे चल रही मोनिका, बिल्कुल बुंदेलखंड में बीजेपी आगे चल रही है, पूर्वांचल और मध्य यूपी की बात करें तो यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुंदेलखंड में बीजेपी ने जहां पिछली बार क्लीन स्वीप किया था इस बार भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि इस बार भी क्लीन स्वीप कर पाती है। हम साफ
तौर पर देख रहे हैं पूर्वांचल में बीजेपी के बल्ले बल्ले नजर आ रही है। बीजेपी के बल्ले बल्ले साफ तौर पर हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि शुरुआती रुझानों में बीजेपी यूपी का महाभारत जीती हुई नजर आ रही है। आकांक्षा, बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। देखिए, चाहे पूर्वांचल की बात हो या फिर मध्य यूपी की बात हो, बुंदेलखंड की बात हो, यहाँ पर अभी जो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक पूर्वांचल मध्य यूपी में कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, लगातार बुंदेलखंड में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, ये बड़ी खबर है इस वक्त।